आप किसी मंदिर में जाते हैं, किसी भी मंदिर में जाते हैं, जाने के बाद में आप देखते हैं वहां किसी देवता की मूर्ति रखी रहती है, और देवता की मूर्ति रखी रहती वो मंदिर के अंदर, जैसे ही आप क्षण के लिए जाते हैं खूब लंबी लाइन लगी रहती है, और वहां जाकर के जब मूर्ति के सामने एक क्षण आपको दर्शन करने को मिलते हैं, और बाद में 10 लोग आपको धक्का देके हटा देते हैं, पुजारी भी एक मिनट खसको खसको करके फंसवा देते हैं। तो भी सोचा है उस एक क्षण में क्या आनंद मिलता है, क्या खुशी मिलती है, क्यों मिलती है, क्यों अच्छा लगता है, एक क्षण के दर्शन से क्या अच्छा लगता है, सोचो ना इसके ऊपर विचार करो। दूसरा, कुछ दिनों बाद में फिर अगर आपने आपको किसी ने पूछा वो दर्शन करने चल रहे हो क्या, तो आप तुरंत खड़े हो गए, हाँ चलते हैं। जहां पे जाने के बाद में आपको अच्छे से खड़े रहने को भी नहीं मिला, यहां पे जाने के बाद में आपको 10 धक्के मिले, वहां जाने के बाद में भी फिर आप जाने को तैयार हो जाते हो, क्यों, यानी वहां शरीर का कंफर्ट, वहां शरीर की सुविधा, वहां शरीर को कुछ अच्छा लगे ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था, जहां आपको खूब आराम से मिला हो, कोई रिलैक्सेशन मिला, कुछ नहीं था। फिर अच्छा किसको लगा, आराम किसको आया, आनंद किसको मिला, आनंद आपकी आत्मा को मिला, उस देवता के जैसे दर्शन किए आपके आत्मा को आनंद मिला, आपके आत्मा को खुशी मिली, आत्मा को प्रसन्नता मिली, आत्मा को अच्छा लगा, और आत्मा को अच्छा लगा इसीलिए शरीर को तकलीफें होते हुए भी फिर आत्मा आपको प्रेरित करे नहीं, फिर वहां उस देवता के दर्शन करने को जाएंगे। थोड़ा सोचा है दर्शन के अंदर क्या घटना घटित होती, देवता एक है, उस देवता की प्राण प्रतिष्ठा जिस संत ने की है, जिस महात्मा ने की है, वो महात्मा वो संत अंतर्मुखी है, और अंतर्मुखी संत ने, अंतर्मुखी महात्मा ने अपने प्राण, अपनी ऊर्जा, अपनी अंतर्मुखी स्थिति, अपनी अंतर्मुखी शक्ति उस मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से प्रवाहित की है, उसमें संकल्प के माध्यम से प्रवाहित किए, उसमें रखी है, और जैसे ही आप उस मूर्ति के एक क्षण के लिए दर्शन करते हो, उस एक क्षण में एक घटना घटित होती है, तुम उसका ऑब्जर्वेशन करो, वो घटना ही घटित होती है, एक क्षण के लिए आप भी अंतर्मुखी हो जाते हैं। क्यों अंतर्मुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो मूर्ति के अंदर उस अंतर्मुखी संत ने, उस अंतर्मुखी महात्मा ने अपनी अंतर्मुखी शक्तियां स्थापित की है, उन स्थापित मूर्ति माध्यम है, मूर्ति माध्यम है, वैसी मूर्ति आपको बाजार में मिलेगी तो वो घटना घटित नहीं होगी, वही घटित होगी, क्योंकि वहां उन्होंने उसमें प्राण डाले, उसमें संकल्प किया है। तो एक क्षण के लिए आप अंतर्मुखी जाते हो और आप आपके आत्मा के करीब पहुंच जाते हो, आप आपके आत्मा के पास पहुंच जाते हो। तो परमात्मा मूर्ति में नहीं है, परमात्मा मंदिर में नहीं है, परमात्मा आपके ही अंदर है, आपके ही भीतर है, केवल आपको दिखता नहीं है, अनुभव नहीं होता है। अनुभव इसलिए नहीं होता, जिस प्रकार से हम हमारा चेहरा नहीं देख सकते, हमको अगर हमारा चेहरा देखने का है तो हमको मिरर की आवश्यकता लगेगी, आईने की आवश्यकता रहेगी, जब आईना रहेगा तो हमको हमारा चेहरा दिखेगा। ठीक उसी प्रकार से जब तक हमको कोई अंतर्मुखी नहीं करता, जब तक हमको कोई हमारे आत्मा तक लेके नहीं जाता, तब तक आत्मा का एहसास हमको नहीं होता। और जैसे ही मूर्ति के सामने एक क्षण के लिए जाते हैं, हम अंतर्मुखी हो जाते हैं, हमारे अंदर का परमात्मा आत्मा के रूप में हमारे ही भीतर बैठा हुआ है, हमारे अंदर बैठा हुआ है, और उसके पास पहुंच करके हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है।